सामने हरीश रावत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरिद्वार इनकी कर्म भूमि भी रही है। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीपी गंगा में, आपकी कर्म भूमि हरिद्वार, और यहाँ पर आज हमारी इस पदयात्रा में आप शरीक हमारे साथ होंगे। पहले ये बताइए कि चुनावी आगाज कर दिया आपने अपनी मुहिम का पूरे उत्तराखंड में? हमने बहुत पहले आगाज शुरू कर दिया और हमें खुशी इस बात की है कि उस आगाज में एबीबी का आशीर्वाद भी हमारे साथ रहा है। तो आइए, अदमित संशोधन करना चाहता हूँ, ये मेरी कर्मभूमि रही है नहीं बल्कि कर्मभूमि है भी। तो देखिए भाई, रावत साहब ने एक बड़ी अहम बात की, कर्मभूमि रही नहीं, कर्मभूमि है, हम भी मानते हैं। लेकिन एक सवाल हरीश जी हम आपसे करते हैं कि आप चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, तब आप इसका जवाब नहीं देते, तो अब ये बताइए इस कर्मभूमि से चुनाव लड़ेंगे? मेरे जो आलोचक हैं जी, विरोध पक्ष के लोग जी, वो मुझको हरिद्वारी लाल कह रहे हैं। तो जब मैं हरिद्वारी लाल हूँ तो हरिद्वार से बियॉन्ड कैसे सोच सकता हूँ? फिर देखिए कहाँ, धीरे धीरे हम तो मलंग बाबा की तरीके से हैं, जहाँ पार्टी कहेगी वहीं त्रिशूल गाड़ देंगे। तो ये बताइए हरीश जी कि हरिद्वार से चुनाव लड़ सकते हैं? मैंने कहा जहाँ पार्टी आदेश करेगी वहीं त्रिशूल गाड़ देंगे। अच्छा, आप इस बात का तो खुलासा नहीं कर रहे कि कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, हालांकि पहले भी आप हरिद्वार से लड़े और दो बार यहाँ से हार गए, लेकिन अब सवाल 2022 का है। आम आदमी पार्टी भी मैदान में है और जो फ्री की रेवड़ियाँ दिल्ली में पसंद आई हैं, उसके बाद आप इस चैलेंज से कैसे निपटेंगे? मैं समझता हूँ कि वो तो कोई चैलेंज है नहीं, इसलिए नहीं है, उन्होंने अभी उत्तराखंड के गाढ़ गधेरों को, डांडे कांडों को, यहाँ की विषमताओं को कुछ देखा नहीं है। कनॉट प्लेस से धीरे धीरे चलते आ करके घंटा घर पर अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया। जिस दिन वो जितना हम लोग चले हैं इन गाढ़ गधेरों में, उसका हजारवां अंश भी पूरा कर लेंगे। लेकिन वायदे बहुत बड़े किए हैं, वायदे बहुत बड़े किए हैं, सबको बेरोजगारी भत्ता, हर घर नौकरी, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। हरदा, आपसे एक बड़ा सवाल ये कि आप अपने पुराने साथियों को दोबारा पार्टी में ला रहे हैं, आर्या साहब को आप ले आए, अब ये फहरिस्त कहाँ तक जाएगी, ये बाकी लोग भी आएंगे क्या? देखिए, ये यदि मैंने सब चीज आपको बता दिया तो आपके पास, हरदा आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं, भैया क्या लग रहा है आपको? हरदा, हरिद्वार में आपके इनके आपकी कर्मभूमि में तो क्या लग रहा है, बदलाव ला पाएंगे? बदलाव तो लाना चाहिए, देखिए हाँ मुख्यमंत्री, हाँ बदलाव लाना चाहिए। कैसे लग रहा है आपको मुख्यमंत्री बनेंगे? ये जो अभी जो चल रहा है ना, ये भाजपा तो इतनी रेट सब चीज की बढ़ा रखे हैं ना, इसलिए तो अभी आएंगे तो ये कुछ करेंगे। भाई रावत साहब, देखिए लोग आपसे उम्मीद बहुत करते हैं, लेकिन ये बताइए कि मेरा जो सवाल था, ये जो आपके पुराने साथी हैं, कितने साथियों को वापस लेके आएंगे? देखिए, जहाँ हमको ज़रूरत होगी वहाँ लेंगे, हम दो हिसाब देखेंगे, पार्टी के लिए क्या उपयोगिता है और उत्तराखंड के लिए क्या उपयोगिता है, और उसके आधार पर ही पार्टी में किसी को सम्मिलित करने न करने का फैसला करेंगे। तो इस बार हरदा चुनाव लड़ेंगे या लड़ाएंगे? देखिए, दोनों काम करूँगा, लड़ूंगा भी, लड़ाऊंगा भी और जिताऊंगा भी। और हम कह रहे हैं तुलना करके देख लो, यदि हमने 3 साल में बेहतर किया है तो आगे अब 5 साल का अवसर हमको दो। हरदा, एक सवाल यहाँ पर स्नेहलता का भी है, मेरी सहयोगी स्नेहलता भी मौजूद। हरदा, एक बार आपकी एक बात याद आ रही है हमें, आपने कहा था कि हमारे यहाँ के उजाड़ू बैल उधर चले गए हैं, अब क्या हो रहा है हरदा? हमने उजाड़ू बैलू के लिए आपके मजबूत वाली जालीदार मुहाव खरीद रखे। मुहाव जानते हो ना, जो मुंह पर लगाया जाता है ताकि वो उजाड़ ना खा सके, हम कंट्रोल में रखेंगे, यदि कोई उजाड़ू बल्द आ ही गया तो। हाँ, लेकिन राज्य के लिए क्या उपयोगिता है? असल में एक चीज तो है, धामी मंत्रिमंडल में जो चेहरे जरा सा चमकते जैसे लगते हैं और कुछ करने जिनमें डिलीवरी की उम्मीद है जिनसे, वो चेहरे उजाड़ू बल्दी हैं। तो हो सकता है राज्य के लिए किसी उजाड़ू बल्द को अपने ठौर में बांधना जरूरी हो जाए, तो विचार करेंगे। एक आपदा 2013 में आई थी और एक उसका रूप हमने अभी देखा है, और आप लगातार घूम घूम के देख भी रहे थे वहाँ पे कि कितना नुकसान हुआ है, कैसे उसका रिहैबिलिटेशन चल रहा है,
क्या लगा आपको? देखिए, आपदा छोटी हो बड़ी हो वो त्रासदी देने वाली होती है, मगर 2013 की आपदा वो बहुत विशाल आपदा थी। मुझे इस बात की खुशी है कि हमने 1.5 साल में उस त्रासदी के सारे निशान मिटा डाले, न केवल केदारनाथ सहित पूरे राज्य का पुनर्निर्माण का काम पूरा किया, कनेक्टिविटी आदि को रेस्टोर किया, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए। और सर ये बताइए कि आप यहाँ कुछ देर पहले यहाँ पर आप परांठे बना रहे थे, ये परांठे क्यों बनाए आज आपने, ये बताइए? बना रहे हैं, अभी बनाए थे, अभी बना रहे हैं। ये हरिद्वार में लाखों लोग इन पराठों का स्वाद चखते हैं। और लाखों लोग जो है इनका कभी दही जलेबी खिलाते हैं, आज परांठे खिला रहे हैं, है क्या ये लोग मुझसे प्यार से मुझको खिलाते हैं, वो तो चमचमता दो, लोग प्यार से मुझे पराठे खिलाते हैं, तो कभी कभी पराठे वालों को जरा सा मैं भी हाथ बटा लेता हूँ। तो ये ऐसी पराठे तो नहीं है हरदा, क्योंकि सही वक्त पे ना पलटे तो जल जाते हैं, ये तो पूरा फूला है। हाँ बताइए, आज साहब आप तो हरदा से पूछने वाले थे। जी हाँ, ये पराठा आपने फूला तो पूरा लेकिन फट गया लास्ट में, ये किसके लिए बनाया है? ये चीजें एयर कंडीशन रहनी चाहिए ना, आजकल प्रदूषण का जमाना है, यदि हम किसके लिए बनाया पराठा? प्रदूषण रहित वातावरण बनाना है तो इस तरीके का छेद रखना पड़ेगा। लेकिन किसके लिए पकाया था ये भी बता दीजिए। ये वो देंगे, अभी मुझे अपने लिए बनाया है। ये पदयात्रा जारी है, अभी हरीश रावत साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करें। रावत साहब ये बताइए कि जो कांग्रेस का प्रचार अभियान है, अभी अमित शाह ने तो आकर रैली की शुरुआत कर दी, तो आपके जो केंद्रीय नेता हैं, जो कॉर्पोरेट बॉम्बिंग हम बात कहते हैं, वो कब से शुरुआत होगी केंद्रीय नेताओं के दौरे? भाजपा की ये कॉर्पोरेट बॉम्बिंग शब्द जो है जी, ये जनता का अपमान है जी। हम कॉर्पोरेट बॉम्बिंग नहीं करेंगे जी, हम लोगों के पास आएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। हमारे नेता प्रार्थना करने आएंगे, भाजपा के नेता बम्बार्डमेंट करने के लिए आएंगे। रावत साहब को देखिए भाई, रावत साहब आपसे मिलने वाले आपके आ रहे हैं। माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जो कांग्रेस में थे पहले, उनका मैं कजन ब्रदर हूँ। देखिए रावत साहब के चाहने वाले हरिद्वार में नहीं, ग्वालियर में भी हैं। आप देखिए तो भाई साहब आप कहाँ से? मैं गणाई गंगोली आठ पिथरागढ़ से। ये हमारे घर के सदस्य हैं। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि रावत साहब परिवर्तन ले आएंगे उत्तराखंड? लाएंगे, पक्का लाएंगे, विश्वास पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास 100%। चलिए आप देख सकते हैं रावत साहब लगातार अपने समर्थकों से भी मिल रहे हैं। आपकी एक तरफ ये शैली और दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि हरीश रावत साहब को टक्कर देने के लिए हमने युवा नेतृत्व उतारा है, और हरीश रावत साहब तो बुजुर्ग हो गए, इस पर क्या कहना है आपका? क्या आपको कहीं से मैं बुजुर्ग लग रहा हूँ? ये बात तो ठीक है, दिल से चाल से ढाल से कहाँ से लग रहा हूँ। और भैया यदि केवल दौड़ना है तो आप बीजेपी वाले कहते हैं, ये बीजेपी वाले कहते हैं, भाजपा वालों से कहो जरा सा मेरे साथ दौड़ के दिखाएं तो सही। और केदारनाथ धाम में जो आपने वो पारंपरिक ढोल बजाया था, जो नृत्य किया था हरदा, उसके भी चर्चे बहुत हैं। देख सर, मनसा देवी माँ को प्रणाम कर ले सर, इधर शिव शंभु मनसा देवी केदार स्वरूप में वहाँ विद्यमान है, मैं उनके उस रूप को प्रणाम करते हुए इतना आत्मविभोर हो गया कि मैं वहाँ त्रिशूल लेकर के और डमरू लेकर के नाचने लगाया। और ढोल तो हमारा वाद्य यंत्र है। अब केदारनाथ का जिक्र चला है तो केदारनाथ में जो विकास के काम हो रहे हैं हरीश जी, केदारनाथ में तो उसका क्रेडिट मोदी सरकार ले रही है, एक बार फिर से मोदी का क्रेडिट जरूर जाता है कि हमारी बनाई हुई गुफा में मोदी जी ने ध्यान लगाया और हमारी उस गुफा को जगत प्रसिद्ध कर दिया। और दूसरा क्रेडिट इस बात का भी है, हमने शंकराचार्य जी की मूर्ति की स्थापना का निर्णय लिया, उसका शिलान्यास किया, शुभारंभ किया, और उन्होंने आ करके मूर्ति को स्थापित कर दिया। देखो ये तो क्रम है विकास का जो चलता है, लेकिन कुछ ऐसे बड़े काम थे जो प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी से अपेक्षित थे, जिसमें मंदाकिनी से सुरक्षा, भैरव मंदिर के स्थल का सुरक्षा, लिंचोली से
रोपवे का निर्माण, चौमासी रोड का निर्माण, गौरी कुंड का पुराने स्वरूप में स्थापना आदि जो बड़े काम थे उनको मोदी जी ने कुछ भी आगे नहीं बढ़ाया। पुष्कर सिंह धामी युवा मुख्यमंत्री बने हैं, कितने नंबर देंगे उनके अब तक के काम? असल में उस बेचारे को अब नंबर तो अच्छे मिलते मगर उनको मौका ही था, समय ही कम दिया इन्होंने जो है, वो तो बाल बाल बच गया, नहीं तो चौथा मुख्यमंत्री भी इस समय होता, वो पता नहीं युवा होता या कैसा होता मैं नहीं जानता। तो उनको समय ही नहीं दिया, तो इसलिए ना जिस कापी में कुछ लिखा ही ना गया हो और लिखने का समय भी ना हो तो उसमें नंबर क्या दिए जाए। हम बिल्डिंग देख रहे हैं यहाँ पर, ये गोरख स्पीड से संबंधित है, तो यूपी के बारे में भी हम आपकी राय जरूर लेना चाहेंगे, क्या लग रहा है आपको कि इस बार उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होने वाला है? देखिए, उत्तर प्रदेश को अपने गौरव को खोजना चाहिए और वो गौरव हमेशा कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है। जो सारे देश का मार्गदर्शक प्रांत था उसको पिछड़गु बना दिया, तो आज अवसर है और इसलिए प्रियंका के साथ कांग्रेस का डंका बजना चाहिए। हरीश रावत साहब, ये बताइए कि अगर हम कांग्रेस की बात करें, बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में टिकट के दावेदार इतने नहीं है उत्तराखंड में जितने हमारे पास हैं, बीजेपी ये कह रही है, इसीलिए हमारे वहाँ उनकी लाइन लगी हुई है भाजपा से टिकट सीकर्स की। और हमारी स्थिति यह है, मुझको डंडा लेकर के बैठना पड़ रहा है कि खबरदार, जब तक मैं खड़ा हूँ बिना मेरी स्कूटनी को पास किए तुम कांग्रेस के अंदर नहीं आ सकते हो, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हक नहीं मरने दूंगा करके, जबकि भाजपा में तो भगदड़ मची हुई है। गुटबाजी खत्म हो गई अब कांग्रेस में? देखिए, अलग अलग गुटकों से ही इमारत बनती है, ये जितनी इमारतें बनी हैं ये अलग अलग गुटकों से बनी हैं, सिर्फ जोड़ने वाला सीमेंट चाहिए। हरीश रावत रूपी सीमेंट उपस्थित है, राहुल गांधी सोनिया गांधी रूपी सुपर सीमेंट उपलब्ध है, तो ये गुटकों को जोड़ करके हम देखिए। हरीश रावत साहब का कहना है कि इस सीमेंट में जान है। अजीत राठी भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे ब्यूरो चीफ। राठी साहब, क्या कहना है आपका? रावत साहब कह रहे हैं कि जो इनके पास सीमेंट है उस सीमेंट में जान है। कौन से वाला सीमेंट है? पहले वाला तो नहीं बीच में क्रैक हो जाएगा? ये सीमेंट जो है 100 साल की, 134 साल से देश को एक रखे हुए है और आगे 100 साल तक देश के विकास को एक रखने के लिए संकल्प होगा। कौन से वाला सीमेंट होगा? निष्ठावान या मेहनती लोग या कर्मठ या जुझारू लोग? चलेगी या ताकत चलेगी? आप जानते हैं जब तक सीमेंट में बजरी न मिलाई जाए तो सीमेंट टिकाऊ नहीं हो पाता है, तो इसलिए थोड़ी। हमारे अगले मेहमान हमारे बीच में पधार चुके हैं, देखिए कौन आ रहे हैं। मदन कौशिक जी आ रहे हैं। हम कभी ये नहीं देखा होगा, हम किसी पे कह रहे हैं कि हमारे पास जितने विधायक आ रहे हैं